द नाइट आई मेट एनस्टाइन, रिटन बाय जीरोम विडमैन, 1913 to 1998, वॉज एन अमेरिकन प्ले राइटर एंड नॉवेलिस्ट. जीरोम विडमैन अमेरिका के प्ले राइटर है, जो ड्रामा लिखते हैं, प्ले लिखते हैं, और नॉवेलिस्ट है, मतलब इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी है. In 1960, he won the Pulitzer Prize for his work. US में एक प्राइज दिया जाता है जिसको कहते हैं Pulitzer. ये प्राइज किसके लिए दिया जाता है? न्यूज़पेपर, मैगजीन, लिटरेचर की बुकें, नॉवेल, जर्नल, जो जर्नलिज्म होता है, रिपोर्टिंग, वो सब के लिए ये प्राइज दिया जाता है US में, अमेरिका में. ठीक है, प्राइज का नाम है Pulitzer प्राइज. तो उन्होंने 1960 में Pulitzer प्राइज जीता है. अ म्यूजिकल ड्रामा टाइटल फियोरेलो, और उनको किसके लिए, एक उन्होंने एक म्यूजिकल ड्रामा लिखा है, ठीक है, उसके लिए उन्हें Pulitzer अवार्ड मिला, Pulitzer प्राइज मिला है 1960 में. ही कोलैबोरेटेड विद जॉर्ज एबॉट, जेरी बैग्स एंड शेल्डन हानिक टू फॉर इट्स म्यूजिक एंड लिरिक्स, और उन्होंने इन सब के साथ कोलैबोरेट किया म्यूजिक और लिरिक्स में. म्यूजिक तो पता है, म्यूजिक, लिरिक्स जो वर्ड यूज होते हैं सॉन्ग में उसे कहते हैं लिरिक्स. बहुत कुछ लोगों को नहीं पता होता है, सॉन्ग में जो वर्ड्स रहते हैं उसे कहते हैं लिरिक्स. ऑलराइट, तो इनके साथ जॉर्ज एबॉट, जेरी और सेल्डन, इनके साथ इन्होंने कोलैबोरेट, मतलब इनके साथ मिलकर काम किया है म्यूजिक और लिरिक्स में. हिज बुक आई कैन गेट इट फॉर यू होल सेल हैज ऑल्सो बीन यूज फॉर अ मूवी ऑफ सेम नेम. उनकी एक बुक है जिसका नाम है आई कैन गेट इट फॉर यू होल सेल. इस पे एक मूवी बनी है और मूवी भी यही नाम से बनी है. एक मूवी बनी है जिसका नाम है आई कैन गेट इट फॉर यू होल सेल. ये बुक, ये मूवी इनकी बुक पर आधारित है, इनकी बुक से स्टोरी ली गई है और मूवी का नाम भी सेम है. आई होप समझा. ठीक है, नेक्स्ट. When I was very young, I was invited to dine at the house of a philanthropist. Author बोल रहे, जब मैं बहुत यंग था मुझे इन्विटेशन मिला था खाने का, रात के खाने को डिनर कहते हैं, डिनर का शॉर्ट फॉर्म है डाइन, डाइन डिनर. ठीक है, डिनर रात का खाना. जब मैं बहुत यंग था जब बहुत, उस वक्त मुझे एक इन्विटेशन आया था, इन्विटेशन मिला था, दावत के लिए मुझे बुलाया गया था खाने की दावत के लिए. किधर किधर का निमंत्रण मिला था? निमंत्रण, इनवाइटेड मतलब निमंत्रण मिला था, खाने का निमंत्रण था. किसके घर पे? फिलेंट्रोपिस्ट के. अब फिलेंट्रोपिस्ट ऐसे आदमी को कहते हैं जो रिच लोग रहते हैं और गरीबों की मदद करते हैं, उसे कहते हैं फिलेंट्रोपिस्ट, जो बहुत दयावान होते हैं, हिंदी में हम लोग दयावान बोलते हैं, पैसे वाले आदमी जो गरीबों की मदद करते हैं, दयावान, फिलेंट्रोपिस्ट. सखावती भी बोलते हैं, सखावती, दयावान, एक्सेट्रा. आफ्टर अ वंडरफुल डिनर आ हॉस्टेस टुक अस टू अ लार्ज ड्रॉइंग रूम. डिनर होने के बाद जो हमारी हॉस्टेस थी, हॉस्टेस मतलब जो वो पार्टी को होस्ट कर रही थी. सो होस्ट करना मतलब सब गेस्ट लोग को संभालना, उसे कहते होस्ट. तो फीमेल थी, इसके लिए हॉस्टेस लिखा है. तुमने वो देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति, उसको कौन होस्ट कर रहा है? अमिताभ बच्चन, है ना. ऐसे बहुत सारे शोज में जो भी मतलब शो रहते हैं, टीवी सीरियल्स है, मूवी, तो मूवीज नहीं, शोज, जो भी शोज में कोई होस्ट पर्सन रहता है, या पार्टी में भी होस्ट पर्सन रहते हैं जो सबको आगे क्या करना है और अनाउंसमेंट करते हैं, तो होस्टेस. यहाँ पे फीमेल है. इसके अलावा तुमने एयर हॉस्टेस तो सुना ही होगा, एयर हॉस्टेस मतलब जो प्लेन में आपको डायरेक्शन बताते हैं आपको क्या करना है, उन्हें एयर हॉस्टेस कहते हैं. ठीक है, और जो शो को डायरेक्शन या शो में सबको बोलते हैं, जैसे बिग बॉस में सलमान खान है, सुना होगा बिग बॉस सीजन जो भी है उसमें सलमान खान होस्ट कर रहा है. तो वैसे ही यहाँ पे डिनर कौन होस्ट, एक हमारी जो होस्टेस थी उसने हम लोगों को खाने के बाद, वंडरफुल डिनर के बाद, अच्छे से खाने के बाद सबको कहाँ लेके गए? एक बड़े से ड्रॉइंग रूम में ले गए, एक बड़े से कमरे में ले गए जहां पर चेयर लगी हुई थी. ठीक है, आई एम अरेंजिंग द चेयर फॉर अ कंसर्ट, माई हॉस्टेस सेड. वी आर गोइंग टू लिसन अ वेरी गुड पियानिस्ट. उसने कहा, हॉस्टेस ने कहा, मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए, मैंने चेयर अरेंज की है
कॉन्सर्ट के लिए, यहाँ पे चेयर क्यों अरेंज की गई है, अरेंज की गई है, कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट मतलब कोई म्यूजिकल शो होने वाला है, कॉन्सर्ट मतलब म्यूजिकल शो, उसके लिए चेयर अरेंज की गई है, ऐसा हॉस्टेस ने कहा। और उसने आगे कहा, हम लोग अभी बहुत अच्छा सा पियानिस्ट सुनने वाले, पियानिस्ट मतलब पियानो सुनने वाले हैं, पियानो, पियानो पता है ना, ठीक है, पियानो जो उंगलियों से बजाया जाता है, ठीक है, तो हम लोग एक अच्छा सा पियानिस्ट सुनेंगे, मतलब पियानो का म्यूजिक सुनेंगे। दो एवरीवन एल्स वाज वेरी हैप्पी, दो एवरीवन वाज वाज एवरीवन एल्स वाज वेरी हैप्पी, आई वाज नॉट, सारे दूसरे लोग बहुत खुश थे लेकिन मैं खुश नहीं था, सारे गेस्ट खुश थे लेकिन मैं खुश नहीं था। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्लासिक म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि मुझे क्लासिकल म्यूजिक समझ में नहीं आता था। आई थॉट आई वॉज टोन डेफ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं टोन डेफ हूँ, टोन डेफ मतलब बहरा, और टोन डेफ मतलब, इधर शॉर्टकट में बता रहा हूँ, टोन डेफ का मतलब है जिसको म्यूजिक समझ में नहीं आती, यानी जो म्यूजिक्स में डिफरेंस नहीं कर सकता, जो गानों में फर्क नहीं कर सकता, उसको सारे गाने एक जैसे ही लगते हैं, उसे कहते हैं टोन डेफ। तो ऑथर बोल रहा है, मुझे ऐसा लगता, मुझे क्लासिकल म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे पसंद ही नहीं थी, मुझे समझ में ही नहीं आता था, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता था मैं टोन डेफ हूं, मतलब मैं म्यूजिक में डिफरेंस नहीं कर सकता हूं। आई सेट डाउन सो दैट आई विल नॉट बी इम्पोलाइट एंड वेट फॉर द कंसर्ट कॉन्सर्ट टू बिगिन, मैं वहां पे बैठा रहा, ठीक है, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि ये बहुत इम्पोलाइट है, मतलब मैं उनके साथ बैठ गया और इंतजार कर रहा था कॉन्सर्ट के स्टार्ट होने का, बैठा क्यों, ताकि लोगों को इम्पोलाइट नहीं लगे, यानी रूड ना लगे, किसी को बुरा ना लगे, ठीक है, कि ये म्यूजिक नहीं सुन रहा है, इसके लिए मैं भी बैठ गया। आई डिड नॉट पे अटेंशन टू द म्यूजिक आफ्टर इट बिगेन, म्यूजिक चालू हुआ लेकिन मैं ध्यान नहीं दे रहा था। आफ्टर अ वाइल आई हर्ड एवरी वन क्लैपिंग, सो आई रियलाइज दैट द पीस वॉज ओवर, जस्ट देन आई हर्ड अ जेंटलमैन बट फर्म वॉइस सेइंग यू आर फॉन्ड ऑफ बैट। मैं बैठ तो गया लेकिन फिर अचानक, मतलब वो शुरू हो गया, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, अचानक मैं सबकी तालियों की आवाज सुनाई देने लगी, मुझे महसूस हुआ कि लगता है म्यूजिक खत्म हो गया, लगता है वो पियानो, पियानिस्ट का प्ले खत्म हो गया। जस्ट देन आई हर्ड अ जेंटलमैन, और उसी वक्त मैंने एक जेंटलमैन की आवाज सुनी, उसने कहा यू आर फॉन्ड ऑफ बैक, यू आर फॉन्ड ऑफ बैक। अब ये बैक कौन है, इसका पूरा नाम है जोहान सेबेस्टियन बैक, यहाँ पे लिखा है बैक, इसका सरनेम में सपोज नाम क्या है, जोहान सेबेस्टियन बैक, ठीक है, तो एक आवाज सुनाई ही आई बाजू से, और वो क्या कह रहा है, क्या तुम बैक को पसंद करते हो, यू आर फॉन्ड, फॉन्ड मतलब फेमिलियर, फॉन्ड मीन्स फेमिलियर, नोन या फिर पसंद करते हो, डू यू लाइक बैक मतलब बैक को पसंद करते हो। आई न्यू एज मच अबाउट बैक एज आई डिड अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स, मुझे बैक के बारे में उतना ही मालूम था जितना मुझे, मैं बैक के बारे में सिर्फ उतना ही जानता था जितना न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जानता था। आई वॉज गोइंग टू से समथिंग ऑर्डिनरी सो दैट आई कुड गेट आउट ऑफ दी सिचुएशन, तो मैं कुछ ऐसा बोलना चाहता था जो कॉमन हो ताकि वो सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं, मतलब वो मुझसे ज्यादा क्वेश्चन ना पूछे और शांत हो जाए। आई टर्न्ड इन ऑर्डर टू लुक एट माई नेबर एंड आई सॉ अ वेरी फेमस फेस, तो मैं घूम के देखने लगा कि कौन सवाल पूछ रहा है, मेरे बाजू में कौन है, और मैंने देखा एक बहुत फेमस चेहरा था मेरे बाजू में, इट वॉज समवन विथ अ शॉक ऑफ वाइट हेयर्स एंड अ पाइप, कोई ऐसा था जिसके बाल एकदम इलेक्ट्रिक शॉक लगने से खड़े हो गए, यानी व्हाइट कलर के बाल थे और बाल एकदम सर पे जैसे शॉक लगता है ना, तो बाल एकदम खड़े हो जाते वैसे बाल थे, और उसके मुंह में पाइप था, पाइप मतलब सिगरेट की तरह एक पाइप आता है पहले माउथ में जिससे लोग सिगार पीते थे, मतलब जिसके अंदर टबैको डाल के जलाया जाता है उसको कहते हैं पाइप। ऑलराइट, आई न्यू दैट आई मस्ट टेल दिस मैन द ट्रुथ, मुझे मैं समझ गया कि मुझे अब इसको सच बता देना चाहिए। ही लुक्ड एट मी एज इफ माई आंसर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई डू नॉट नो एनी थिंग अबाउट बैक, आई सेड आई हैव नेवर हर्ड एनी ऑफ हिज म्यूजिक, ही लुक सरप्राइज,
मैंने उससे सच कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ बैक के बारे में, और बैक और मैंने उसका नाम, मैंने उसकी कोई म्यूजिक नहीं सुनी। और ये सुन के वो बहुत सरप्राइज हो गया, वो बहुत, वो जो वाइट हेयर वाला आदमी था जिसके मुंह में पाइप था, वो सरप्राइज हो गया। वो बहुत फेमस आदमी था। कौन है वो फेमस आदमी? इट्स एनस्टाइन, एल्बर्ट एनस्टाइन। बड़ा साइंटिस्ट है, नाम सुने होगे। एल्बर्ट एनस्टाइन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक बड़े साइंटिस्ट है जिनका नाम है एल्बर्ट एनस्टाइन। डिस्कवरी की सर आइसेक न्यूटन के बाद सर एल्बर्ट एनस्टाइन का नाम आता है, ठीक है, इन इन फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो एक फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम है एल्बर्ट एनस्टाइन। नेक्स्ट, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैक, ही आस्क्ड। ही मेड इट साउंड एज इफ आई हैड सेड दैट आई हैड नेवर टेकन अ बाथ, ठीक है। वो कह रहा है कि उन्होंने एकदम सरप्राइज से पूछा, क्या तूने कभी बैक के बारे में नहीं सुना? मतलब तूने कभी बैक की आवाज, बैक की म्यूजिक नहीं सुनी? बैक बैक, ठीक है। और मुझे ऐसा लगा जैसे वो पूछ रहे हैं, वो इतना शौक होके पूछ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो पूछ रहे कि क्या तुमने कभी बात नहीं लिया, ठीक है। आई हैड लाइक टू अंडरस्टैंड म्यूजिक सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड बैक। आई हैड लाइक टू, मुझे म्यूजिक समझनी पड़ेगी, मैंने जवाब दिया। आई सेड, ऑथर कह रहा है कि मैंने जवाब दिया कि मुझे म्यूजिक समझनी पड़ेगी, आखिर मुझे बैक को समझना है तो। बट आई एम नॉट एबल टू, लेकिन मुझे म्यूजिक समझ में नहीं आती। आई एम टोन डेफ, मैं टोन डेफ हूं, यानी म्यूजिक के लिए मैं डेफ हूं, मुझे म्यूजिक समझ में नहीं आती। द ओल्ड मैन गॉट अप, यू विल कम अप विथ मी, ही आस्क्ड। वो खड़े हुए और मुझसे कहा, वो ओल्ड मैन जो व्हाइट हेयर वाले थे जिनके मुंह में पाइप था, ही गॉट अप, और उन्होंने इससे कहा, क्या मेरे साथ चलोगे? आई आई जस्ट रिमेन सीटेड, मैं चुपचाप बैठा रहा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कम विथ मी, ही सेड अगेन। उन्होंने कहा, मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे साथ चल, ठीक है। सो आई वेंट अप विथ हिम, इसलिए मैं उनके साथ चला गया। ही टुक मी टू अ रूम विच हैज अ ग्रामोफोन इन इट एंड आस्क्ड, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। वो मुझे एक रूम में ले गए जहां पे ग्रामोफोन था। देखो ये ग्रामोफोन, आज जैसा FM है, ए सॉरी, आज जैसे प्ले रिकॉर्डर है, जैसा CD रिकॉर्डर है, DVD, CD, जो भी प्ले डिस्क है, वो सब नहीं था पहले। पहले ऐसे ग्रामोफोन में म्यूजिक बजती थी। दिस इज अ ग्रामोफोन, ग्रामोफोन। तो वो मुझे एक रूम में ले गए जहां पर ग्रामोफोन था, पहले का सिस्टम था, ठीक है, म्यूजिक प्ले करने का। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, और मुझसे क्या पूछा, तुम्हें कौन से टाइप की म्यूजिक अच्छी लगती है? वेल आई आंसर्ड, आई लाइक सॉन्ग दैट हैव वर्ड्स एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक व्हाट एवर आई कैन फॉलो द ट्यून। मैंने कहा, मुझे ऐसे गाने अच्छे लगते हैं जिसमें वर्ड्स हो, ठीक है, और ऐसे टाइप के गाने अच्छे लगते हैं जिसको मैं फॉलो कर सकता हूं, जिसकी ट्यून में गुनगुना सकता हूं। ही स्माइल्ड एंड नॉडेड, ऑब्वियसली प्लीज्ड। ही स्माइल, स्माइल किया उन्होंने, नॉडेड मतलब मुंडी हिलाना, हाँ बोलते हैं ना, हाँ बोलने के लिए जैसा मुंडी हिलाई जाती है उस वो एक्सप्रेशन को नॉडेड कहते हैं। उन्होंने स्माइल किया, मुस्कुराए और मुंडी नॉड की। ऑब्वियसली प्लीज, यू कैन गिव मी एन एग्जाम्पल पर हैप्स। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, ऑब्वियसली प्लीज, ऑब्वियसली मतलब ओके, ठीक है, क्या तू मुझे एग्जाम्पल दे सकता है किसी गाने का, मतलब कोई गाना ऐसा वर्ड एग्जाम्पल में बोल सकता है? आई टोल्ड हिम आई लाइक एनी थिंग टू बिंग क्रॉसबी। उन्होंने कहा, मुझे बिंग क्रॉसबी का कोई भी गाना चलेगा। बिंग क्रॉसबी अमेरिकन सिंगर है। बिंग क्रॉसबी किसका नाम है, और बैक भी एक सिंगर है, ठीक है। बैक जो था ना, जॉन सेबेस्टियन बैक, वो भी म्यूजिक प्लेयर है, ठीक है, और ये सिंगर है बिंग क्रॉसबी। तो उन्होंने कहा, मुझे बिंग क्रॉसबी का कोई भी गाना चलेगा, ऑथर ने कहा। एट वंस आई कुड हियर बिंग क्रॉसबी व्हाइल फिलिंग द रूम। मैंने देखा पूरे रूम में, मतलब उन्होंने गाना प्ले किया आइंस्टाइन ने, और पूरे रूम में किसकी आवाज गूंजने लगी, बिंग क्रॉसबी की। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट यू जस्ट हर्ड, ही सेड। उन्होंने कहा, अच्छा आप तू बता सकता है तूने क्या सुना? द सिंपलेस्ट आंसर सीम टू बी टू सिंग द लाइन्स। उसका सबसे इजी जवाब था कि वो लाइन गा के सुना दू। तो ऑथर ने वो लाइन्स गाकर उनको सुनाई जो उन्होंने जो ऑथर ने सुना था। सो आई सैंग इट बैक टू हिम। मैंने वो गाकर उनको सुनाया। ऑथर कह रहा है, सबसे आसान काम था वो गाना गा के सुना दो, तो मैंने उनको गाकर सुनाया। ही स्माइल्ड, वो मुझे देखकर स्माइल करने लगे। यू आर नॉट टोन डेफ, ही सेड। उन्होंने मेरे को देखकर स्माइल किया और बोला, तुम
कि तू तो टोन डेफ नहीं है, तुझे तो समझ में आ रहा है गाना. आई टोल्ड हिम दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, समथिंग आई हैव हर्ड 100 times, सो इट डिडेंट रियली प्रूव एनीथिंग. मैंने कहा कि ये गाना मेरा फेवरेट गाना है, जिसको मैंने हजारों बार, सैकड़ों बार, 100 मतलब 100, सैकड़ों बार सुना है, ठीक है, तो इसका इससे कुछ प्रूव नहीं होता कि मैं टोन डेफ नहीं हूं. नॉनसेंस, सेड एंस्टाइन. देखो व्हाइट बाल वाले जो बंदा था वो कौन है, जो बूढ़ा आदमी था वो कौन है, एंस्टाइन, अल्बर्ट एंस्टाइन. उन्होंने कहा नॉनसेंस. नॉनसेंस एक टाइप का बैड वर्ड्स भी बोला जाता है, वैसे बैड वर्ड्स नहीं है, लेकिन किसी को नॉनसेंस बोले तो बुरा लगता है. नॉनसेंस मतलब जिसके पास सेंस नहीं है. नॉनसेंस मतलब जो फील नहीं कर सकता, जो पागल होते हैं, जो इडियट्स होते हैं, उनको नॉनसेंस नाम दिया जाता है, ठीक है. तो अल्बर्ट एंस्टाइन ने एक्सप्रेशन में कहा नॉनसेंस, इट्स प्रूफ एवरीथिंग, इससे सब कुछ साबित होता है. डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट एरिथमेटिक लेसन इन स्कूल? अल्बर्ट एंस्टाइन ने एग्जाम्पल दिए कि क्या तुझे फर्स्ट एरिथमेटिक लेसन याद है तेरे स्कूल का? सपोज एट योर वेरी फर्स्ट कॉन्टैक्ट विथ नंबर, योर टीचर हैड ऑर्डर्ड यू टू वर्क आउट अ प्रॉब्लम इन, प्रॉब्लम इन से लॉन्ग डिविजन ऑफ फ्रैक्शन, कुड यू हैव डन इट? अल्बर्ट एंस्टाइन ने एग्जाम्पल दिया, अच्छा तेरे स्कूल, तुझे पहला दिन याद है क्या स्कूल में जब तूने फर्स्ट टाइम एरिथमेटिक किया? अच्छा सपोज कर तुझे फर्स्ट डे ही टीचर ने, यानी तू जूनियर में है या सीनियर के स्टैंडर्ड में, अपने इंडिया के हिसाब से जूनियर सीनियर फर्स्ट, और तेरे को प्लस माइनस कुछ नहीं सिखाया गया है, और डायरेक्टली टीचर ने तुझे मल्टीप्लीकेशन या डिविजन का सम दे दिया, तुझे कुछ प्लस माइनस एडिशन सब्रैक्शन नहीं आता, और टीचर ने ऑर्डर किया है तुझे कि प्रॉब्लम सॉल्व कर लॉन्ग डिवीजन का और फ्रैक्शन का, डिवीजन का प्रॉब्लम सॉल्व कर, और तुझे प्लस माइनस ये सब नहीं सिखाया, कुड यू हैव डन इट? क्या तू कर पाएगा? नो ऑफ कोर्स नॉट, एग्जैक्टली. देखो उसने कहा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा. अल्बर्ट एंस्टाइन ने कहा कि तुझे, तेरा फर्स्ट डे है, तुझे जस्ट मैथ सीख रहा है, तू स्टार्ट किया और टीचर ने तुझे लॉन्ग डिवीजन का सम करने बोला, तो क्या तू कर पाएगा? ऑथर ने रिप्लाई किया नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा. एग्जैक्टली, इट्स लाइक लर्निंग मैथ्स, यू हैव टू लर्न एडिशन एंड सब्रैक्शन इन ऑर्डर टू डू मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. सेम मैथ्स की तरह ही है म्यूजिक सीखना, आखिर तुझे तुझे एडिशन और सब्रैक्शन सीखना पड़ेगा, आखिर तुझे मल्टीप्लीकेशन और डिविजन सीखना है, तो आखिर तुझे मल्टीप्लीकेशन सीखना है और डिविजन सीखना है तो उसके पहले तुझे एडिशन और सब्रैक्शन सीखना पड़ेगा. तो वैसा ही म्यूजिक है. Now I am playing something a little more advanced. तो अल्बर्ट एंस्टाइन ने कहा अभी मैं कुछ और एडवांस तुझे सुनाता हूँ, और ज्यादा हाई लेवल का म्यूजिक सुनाता हूँ. इट वॉज जॉन मैक्रोमैक सिंगिंग द ट्रम्पेटर्स सिंग दैट बैक ही ऑर्डर्ड. उन्होंने कौन सा गाना सुनाया, किसका गाना सुनाया? जॉन मैक्रोमैक, ये भी एक सिंगर है अमेरिकन, और उनका कौन सा था गाना? द ट्रम्पेटर, द ट्रम्पेटर, ठीक है, ये नाम है इसके लिए इन्वर्ट तेड़ा लिखा हुआ है. और फिर वो गाना सुनाने के बाद क्या कहा उन्होंने? सिंग दैट बैक. गाना सुनाया और मुझसे कहा कि सिंग दैट बैक, मुझे वापस सुना वो गाना. एंड वी वेंट ऑन फ्रॉम लेवल टू हायर लेवल अंटिल ही वॉज प्लेइंग जस्ट म्यूजिक विदाउट वर्ड. और वो एक एक करके मुझे गाना सुनाते जा रहे थे और मेरे को बोलने को बोल रहे थे, ठीक है, और ऐसा करके एक एक लेवल से हाई लेवल तक पहुंच गए, और फाइनली हम लोग वो गाने तक पहुंच गए जिसमें वर्ड नहीं होता है, सिर्फ म्यूजिक होता है. आई वॉज अमेज दैट दिस ग्रेस मैन, आई वॉज अमेज दैट दिस ग्रेट मैन वॉज पेइंग कंप्लीट अटेंशन टू मी सो दैट आई कुड लर्न समथिंग न्यू. मुझे बहुत अचंबा हुआ, मुझे बहुत सरप्राइज फील हुआ, अमेज सरप्राइज, कि ये महान आदमी मेरे ऊपर इतना ध्यान दे रहा है, मुझ पर इतना ध्यान दे रहा है ताकि मैं कुछ नया सीख सकूं. इट वॉज एज इफ आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड. मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हूँ इसके लिए, मैं दुनिया का सबसे खास बंदा हूँ इसके लिए. सडनली ही गॉट अप एंड टर्न्ड ऑफ द ग्रामोफोन. अचानक में वो खड़ा हुआ और ग्रामोफोन बंद कर दिया. नाउ यंग मैन ही सेड वी आर रेडी टू लिसन टू बैक. उसने कहा ठीक है यंग मैन, अब हम लोग जाकर बैक की म्यूजिक सुन सकते हैं, जो पियानो प्ले हो रहा था ना लिविंग रूम में, जहां पे चेयर अरेंज थी, जहां पे पियानो का प्ले हो रहा था वहां पर ले गया. वहां पे किसका म्यूजिक चल रहा है? जॉन सेबेस्टियन बैक. वी वेंट डाउन एंड सेट इन द हॉल. हम लोग गए और जाकर हॉल में बैठ गए.
जस्ट अलाउड योर सेल्फ टू लिसन ही सेट, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। और उन्होंने कहा, हम लोग वहां जाके बैठ गए हॉल में, और एनस्टाइन ने कहा सिर्फ सुन, सिर्फ बैठ के सुन, सिर्फ इतना ही करना है तुझे और कुछ नहीं। आई हर्ड दैट पीस मैनी टाइम्स सिंस दैट डे, उस दिन के बाद, उस दिन के बाद, वो कह रहे कि उस दिन के बाद मैंने वो चीज, मतलब वो म्यूजिक कई बार सुनी, उस दिन जब सुनी एनस्टाइन के साथ, उसके बाद मैंने वो पीस ऑफ, वो पीस मतलब वो म्यूजिक कई बार सुनी, बट आई एम नेवर अलोन, लेकिन मैं कभी अकेला नहीं महसूस रहा। आई एम सिटिंग बिसाइड अ स्मॉल मैन विथ अ शॉक ऑफ अनटाइडी हेयर एंड अ पाइप इन दी माउथ, लेकिन जब भी मैंने सुनी मुझे महसूस हुआ मेरे बाजू में एक शॉर्ट मैन है जिसके शॉक अनटाइडी हेयर है, जिसके इलेक्ट्रिक शॉक लगने से समझ लो बाल खड़े हो गए हैं, ठीक है, बाल एकदम स्टैंड हो जाते हैं, एकदम इरेक्ट हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, और अनटाइडी यानी कोम नहीं किया, आड़े तेड़े हैं, ठीक है, हैज है, और जिसके मुंह में पाइप है, मतलब मुझे फील होता था कि वो मेरे साथ गाना सुन रहे हैं। ही हैज द आई दैट आर अनयूजुअल वार्म, उनकी आंखें, उनकी आंखों में वार्मनेस था, ठीक है, अनयूजुअल मतलब जो नॉर्मली नहीं रहता है, अननॉर्मल वार्मनेस, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आंखों में एक अलग सी नमी थी, वैसा, ठीक है, अनयूजुअल वार्मनेस था। When the concert ended, I too was able to clap sincerely. उस दिन जब कॉन्सर्ट खत्म हुआ मैं भी दिल से मैंने ताली बजाई, मतलब मैंने भी ताली बजाई, वो भी पूरे दिल से, ऐसा नहीं कि खाली फॉर्मेलिटी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। उस दिन जब कॉन्सर्ट खत्म हुआ तो मैंने भी ताली बजाई सिंसियरली, यानी ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ। A hostess came toward us, we both stood up. हमारी जो हॉस्टेस थी जो हमें पार्टी में होस्ट कर रही थी वो हमारी तरफ आई और हम लोग दोनों खड़े हो गए। आई एम सो सॉरी डॉक्टर एनस्टाइन, शी सेड गिविंग मी अ कोल्ड लुक, उसने डॉक्टर एनस्टाइन से कहा मैं बहुत माफी चाहती हूँ, उसने, हॉस्टेस ने डॉक्टर एनस्टाइन को देखते हुए कहा कि मैं माफी चाहती हूँ, और मेरी तरफ कैसा देखने लगी, कोल्ड लुक, कोल्ड लुक मतलब गुस्से से, कोल्ड लुक मतलब अनलाइक लुक, ना गुस्सा नहीं है लेकिन अनलाइकली लुक, मतलब ऐसा देखना कि पसंद नहीं करना। देखो वो डॉक्टर एनस्टाइन को कह रही है मैं माफी चाहती हूँ, दैट यू मिस सो मच, कि तुमने कितना सारा वीडियो मिस किया, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, मैं माफी चाहती हूँ, डॉक्टर एनस्टाइन को कह रही है कि तुमने ये मिस कर दिया, ठीक है, और क्योंकि डॉक्टर एनस्टाइन वो टाइम पे फेमस साइंटिस्ट थे इसके लिए, और वो ये बोलते वक्त किसकी तरफ देख रही है, ऑथर की तरफ, कोल्ड लुक से, कोल्ड लुक मतलब अनलाइक लुक, ना पसंद करने वाली नजरों से, कि इसकी वजह से आपका पूरा शो मिस हो गया। आई एम सॉरी टू ही सेड माय यंग फ्रेंड हियर एंड आई हाउएवर वर एंगेज इन द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी ऑफ विच अ ह्यूमन बीइंग इज केपेबल, डॉक्टर एनस्टाइन ने कहा मैं भी माफी चाहता हूं, लेकिन मैं और मेरा दोस्त और मैं, हम लोग दोनों बिजी थे, एंगेज मतलब बिजी थे एक महान कार्य में जो ह्यूमन बींग कर सकता है, मेरा यंग दोस्त, मेरा जो छोटा दोस्त है, यंग दोस्त और मैं दोनों बिजी थे महान कार्यक्रम में, महान कार्य करने में, ग्रेट एक्टिविटी करने में जो ह्यूमन के एबिलिटी में, जो ह्यूमन की कला एबिलिटी की है, केपेबल है। शी लुक पजल्ड, वो कंफ्यूज दिखी, पजल्ड मतलब कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज हो गई कि क्या बोल रहे डॉक्टर एनस्टाइन, क्या बोल रहे कि हम लोग ग्रेटेस्ट एक्टिविटी में बिजी थे जो ह्यूमन कर सकता है। She said, and what is that? वो confused हो गया और उसने बोली अच्छा वो क्या काम है। Einstein smiled out and put his arm across my shoulder. Einstein ने smile किया, मुस्कुराए और मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा opening up the frontier of beauty. हम लोग क्या काम कर रहे थे, खूबसूरती के गेट खोलने का काम कर रहे थे, यानि music समझना सुनना सीखा, नई चीज सीखी ना, तो ब्यूटी खूबसूरती, फ्रंटियर बॉर्डर लाइन, गेट्स ग्रेट समझ लो, गेट्स खूबसूरती के गेट, ओपनिंग खोलना, फ्रंटियर मतलब एंट्रेंस, ठीक है, फ्रंट प्लेस, तो हमने खूबसूरती को ओपन किया, समझा, खूबसूरती को ओपन किया मतलब ये और डॉक्टर एनस्टाइन ने मिलकर आज नई चीज सीखी, यानी ऑथर जो अपने आप को टोन डेफ समझ रहा था, डॉक्टर एनस्टाइन ने उसको म्यूजिक का मजा से समझाया, म्यूजिक का टेस्ट करवाया।
ठीक है, आई होप चैप्टर समझा। ठीक है, थोड़ा सा आज रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है मुझे भी, लेकिन मैंने सोचा कंप्लीट करना ही है, बहुत स्लो हो रहा है, तो इसके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वरना मैं फिर कल कल करके फिर टाइम वेस्ट हो ही रहा था। अच्छा, आई होप समझा, चैप्टर समझा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, शेयर इट विथ ऑल योर 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड, जितने भी 10th में फ्रेंड है सबको शेयर करो। इट्स ट्रिप। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर वर्कशॉप करवाइए, वर्कशॉप या आंसर दीजिए। तो फॉर वर्क देखो, आंसर ये सब तुम लोग इजिली कर सकते हो, और आखिर ये मैं करके दूंगा ना, तो तुम्हारे अंदर एबिलिटी नहीं आएगी। आई वॉन्ट यू टू बी केपेबल, मैं चाहता हूं तुम्हारे अंदर आंसर ढूंढने की एबिलिटी आए। आखिर सब कुछ नहीं तो कॉपी करने की एबिलिटी आएगी, सिर्फ वीडियो पॉज करोगे आंसर कॉपी करोगे, इट्स ऑफ नो यूज। कुछ खुद से करने की एबिलिटी पैदा करनी बहुत जरूरी है, तो फॉर दैट आई एम नॉट डूइंग दिस। रही बात वर्कशॉप की, हाँ किसी को अपना आंसर रीचेक करना है तो हर चैप्टर के एंड में बार कोड दिया है, जस्ट मोबाइल से बार कोड को स्कैन करो, यू विल गेट ऑल आंसर्स। ठीक है, ये बार कोड को स्कैन करो और वो क्रोम से ऑटोमेटिकली आंसर देगा, या फिर दीक्षा ऐप है गवर्नमेंट का जहां पे आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, ऑल राइट, आई होप चैप्टर समझा, थैंक यू।